ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवघर में एक साथ तीन बच्चों ने प्री मेच्योर जन्म लिया। तीनों बच्चे जन्म के समय 1 किलो के थे। हेमोग्लोबिन भी काफी कम था। बच्चों की आंखों में रेटिना की बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गई थी। इन तीनों बच्चों के आंखों में एंटी वेजफ इंजेक्शन एवं लेजर की तुरंत जरूरत थी, जिसे कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल की टीम ने उपलब्ध कराया। एक रिपोर्ट। इन तीन प्रीमेच्योर बच्चों की आंखों में रेटिना की बीमारी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी थी और ये बच्चे तेजी से अपनी आंखों की रोशनी खो रहे थे। साथ ही इनका हीमोग्लोबिन भी कम था। जसीडीह की इंदु देवी ने तीन बच्चों को एक साथ समय से पहले जन्म दिया था और ये बच्चे जन्म के समय 1 किलो के थे और 45 दिनों के बाद भी इनका वजन सिर्फ 1.5 किलो ही है। इनकी आंखों के इलाज के लिए इनके परिजन देवघर से लेकर रांची के रिम्स तक भटकते रहे, लेकिन इनका इलाज नहीं हो पाया। फिर ये कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल आए और इनका इलाज शुरू हुआ। अस्पताल ने इन्हें एंटी वेजफ इंजेक्शन और रेटिना पर लेजर तुरंत मुहैया कराया। इसमें मारवाड़ी महिला मंच की अनु पोदार ने 41,000 रूपए का सहयोग दिया। ऑपरेशन के बाद ये बच्चे स्वस्थ हैं और इनकी आंखों में तेजी से सुधार हो रहा है। देवघर की जसीडीह के इंदु देवी के तीन बच्चे 28 हफ्ता से पहले हो गए और ये ट्रिपलेट बच्चों का सभी का वजन 1.5 केजी के बराबर है और उनका जो हीमोग्लोबिन है वो भी 8.5 के बराबर है, बहुत कम हीमोग्लोबिन है। बता दें कि इस तरह के प्रीमेच्योर बच्चों के जन्म के पहले 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे बच्चों के रेटिना का परीक्षण 20 से 30 दिनों के अंदर जरूर कराना चाहिए और अगर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है और इलाज की जरूरत है तो यह जन्म के 30 दिनों के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। कश्यप मेमोरियल पूरे राज्य में एकमात्र ऐसा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल है जहां रेटिना की बीमारी के 4 एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं और समय से पहले जन्मे प्री मेच्योर बच्चों का इलाज करने में सक्षम है। यहां ROP की समस्या का रेटिना की लेजर और इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन के द्वारा इलाज किया जाता है। इन बच्चों के परिजनों ने भी कश्यप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर भारती कश्यप और मारवाड़ी महिला समाज की अनु पोद्दार का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे अगर यहाँ नहीं आते तो शायद इन बच्चों की आंखें ठीक नहीं हो पाती। की मुलाकात अनु पोद्दार और रेणु देवी से हुई, जिन्होंने हमारी बात हम लोगों के हालात समझे और यहाँ रांची में कश्यप आईस मेमोरियल हॉस्पिटल में हम लोगों से बातचीत कराई डॉक्टर भारती कश्यप से और भारती कश्यप ने हमारी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं। ये तीन बच्चे और इनके परिजन खुशनसीब थे कि समय रहते इनका इलाज हो गया और इनकी आंखों की रोशनी बच गई। लेकिन झारखंड में ऐसे कई बच्चे हैं जो कि प्री मेच्योर हैं और रेटिना की बीमारी की वजह से हमेशा के लिए दृष्टिहीन हो गए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जन्मजात मोतियाबिंद है, टेढ़ी आंख है, जो अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो रही हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के इन तीनों बीमारियों के इलाज के लिए प्रावधान बने हुए हैं, मगर झारखंड में इसका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी की एक आंख के रेटिनल लेजर के लिए 10,000 रूपए की सहायता का प्रावधान है। जन्मजात मोतियाबिंद की एक आंख के फेको पद्धति से सर्जरी के लिए 20,000 रूपए की सहायता और टेढ़ी आंख की 3 मांसपेशी की सर्जरी के लिए 11,000 रूपए की सुविधा का प्रावधान है। हालांकि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन, जो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी के अधिकांश बच्चों में देना बहुत जरूरी होता है और काफी महंगा भी होता है, उसका प्रावधान नहीं है और बच्चों के लिए विशिष्ट निश्चेतक चिकित्सक की जरूरत होती है तथा बच्चों को बेहोश करने से पहले कई तरह के ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, उसका भी प्रावधान नहीं है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, झारखंड में उसका भी लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है और बच्चे हमेशा के लिए आंखों की रोशनी खोने को मजबूर हैं और दृष्टिहीन जीवन जीने को मजबूर हैं।
कश्यप हॉस्पिटल के द्वारा कई बार सरकार को भी पत्र लिखकर इसका लाभ देने का आग्रह किया गया है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई पहल नहीं की है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार ने रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी से ग्रसित बच्चों, मोती आंख से ग्रसित बच्चों और टेढ़ी आंख से ग्रसित बच्चों के इलाज के लिए प्रावधान बनाए हैं, मगर हमारे राज्य में इस योजना के तहत इलाज नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी से इस बाबत पूछने पर वही रटा रटाया जवाब मिलता है कि जल्द ही इस योजना का लाभ मिलेगा और सरकार इसके लिए गंभीर है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा है कि सब कुछ नियमानुकूल रहा तो एक महीने में इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। मेरे पास चिट्ठी आई है, समझे ना, उस पर जो नियमता होगा हम कार्रवाई करेंगे, जो भी सुविधा देना होगा उसको हम देंगे। बहरहाल जहां सरकार आयुष्मान भारत जैसी योजना चला रही है, वहीं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की धज्जी उड़ गई है और हमारे नवजात शिशु हमेशा के लिए दृष्टिहीन जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। इससे अफसोसजनक बात और कुछ नहीं हो सकती। अब सरकार ने एक महीने की मोहलत मांगी है तो उम्मीद की जाती है कि सरकार अपने वादे को जरूर पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।